फ्रेंड यूएमटी की तरफ से एक नया अपडेट आ चुका है और ये अपडेट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इस अपडेट में बहुत सारे नए फीचर ऐड किए गए हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले इसके फीचर के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद ये फीचर आपको कहाँ पर मिलेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, यूएमटी का एमटीके वर्जन 1.2 ये वर्जन लॉन्च हुआ है और इसमें जो नए फीचर ऐड किए गए हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो फीचर ऐड किया है वो ऐड किया है वीवो डेमो रीसेट ओल्ड। ये दो फीचर यहाँ पर ऐड किए गए हैं जिसमें न्यू मॉडल यहाँ पर टेस्ट कर लिए हैं वीवो का T12X 5G और Y28 5G। ये नए मॉडल पर काम करेगा और ये पुराने मॉडलों पर काम करेगा, तो ये आपको आगे दिखाऊंगा। और यहाँ पर एक सबसे ज़बरदस्त अपडेट है वो सैमसंग के लिए। सैमसंग का अगर फ़ोन फ्लैशिंग के टाइम, अनलॉकिंग के टाइम किसी भी तरीका से डेड हो जाता है, उसका डेड वुड रिपेयर करना है, तो आपको कोई भी MMC निकालने की ज़रूरत नहीं है, ISP करने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी बॉक्स की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल एजी वे यहाँ पर बोला है अनब्रेक सैमसंग डिवाइस के लिए, नो नीड ऑफ अनब्रेक फर्मवेयर, यानी कि कुछ भी ज़रूरत नहीं, ना ही डंप फाइल की ज़रूरत है, ना ही यहाँ पर आपको अनब्रेकिंग फाइल की ज़रूरत है। सिंपली आप 4 फाइल से, सिंगल फाइल से जो ओडिन टूल से फ्लैश करते हैं वही फाइल से आप डायरेक्ट फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ पर ना तो ओडिन फ्लैश टूल की ज़रूरत पड़ने वाली है और ना ही जो डेडवुड रिपेयर फाइल होती है वो भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो आप डायरेक्ट इसे फ्लैश कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको फ्लैश करना है और सारा सब कुछ है। ये टूल ऑटोमेटिकली काम करेगा, जैसे कि पिलोडर मोड, वीरम मोड, वो सारा सब कुछ ये करेगा, आपको टेस्ट पॉइंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पर टीम ने ये बोला है अगर आप डेडवुड रिपेयर कर रहे हैं, सेट को रिकवर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन जो हाई वर्जन है उसका वो फर्मवेयर डालें, ठीक है, तो ये बोला है। यहाँ पर एक और ज़बरदस्त फीचर ऐड किया है जो कि अनलॉक टूल में ऑलरेडी है, यहाँ पर डंप फाइल का ऑप्शन आ गया है रीड और राइट का, तो यहाँ पर जो डंप फाइल है बूट 1, बूट 2 और यूजर एरिया को यहाँ पर सपोर्टेड करता है और ये आप फुल डंप भी ले सकते हैं और सेव अपने हिसाब से स्पेस के साथ कर सकते हैं और आप इसका साइज है वो भी यहाँ पर कम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फाइल सेव होगी वो CFG फाइल में होगा, जैसे कि हम EO5 में करते हैं, तो उसका एक ट्रिक होगा, उसका सिर्फ नेम चेंज करना होता है, बाकी ये काम कर जाता है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। यहाँ पर इम्प्रूव किया है बैकग्राउंड इशू, जो बैकग्राउंड में टूल प्रॉब्लम कर रहा था, और इम्प्रूव किया है फ्लैशिंग के फंक्शन में राइट और फॉर्मेट, ये यहाँ पर चेंज किया है, ठीक है। तो अब मैं आपको टूल में दिखाता हूँ ये फीचर आपको कैसे कहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको UMT का MTK टूल डाउनलोड करना है, लेटेस्ट वाला। सबसे पहले जो अपडेट है वीवो का वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, तो वीवो का जो अपडेट है वो यहाँ पर देख सकते हैं, वीवो डेमो न्यू और वीवो डेमो ओल्ड, ये दो फीचर यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। दूसरा अपडेट था सैमसंग के लिए, सैमसंग का डेडवुड रिपेयर करने के लिए कहाँ से करना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लैश के टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, मगर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो SCA लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर OFP फाइल जो ओप्पो के लिए होता है और ये TAR फाइल, यहाँ पर आपको इस क्लिक करना है और यहाँ पर फुल फाइल जो सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा सैमसंग के लिए। अगर सिंगल फाइल है तो आप AP में सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 फाइल, कोशिश ये करें कि 4 फाइल ही डाउनलोड करें, कभी कभार सिंगल फाइल से कुछ मॉडल ना होंगे तो 4 फाइल ही आप डाउनलोड करें। तो ये हो गया हमारा सैमसंग का डेडवुड रिपेयर करने का। अब सबसे बड़ा जो अपडेट दिया है वो यहाँ पर है डंप फाइल का, तो डंप फाइल में यहाँ पर देख सकते हैं ये बूट करने के लिए है, उसके बाद यहाँ पर टिक लगा के पहले आपको बूट करना है, अभी ये काम नहीं करेगा, यानी कि बूट का मतलब ये है सेट को कनेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर टिक लगाना है और यहाँ पर रीड डंप फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, राइट डंप फाइल का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर जो डाउनलोड करना है, जो रीड करना है वो CFG फाइल यहाँ पर आपको रीड करना ज़रूरी है। अगर आप किसी दूसरे टूल से या फिर इसी में आप यूज करते हैं तो आप इस फाइल को भी यूज डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, यानी कि रीड ज़रूर कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर एक सेट को कनेक्ट करके देख लेता हूँ, अगर मेरे पास कोई सेट हो तो उसमें हम इसको टेस्ट कर लेते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है और इसका जो फीचर है
उसके बारे में भी हमारे लिए पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बूट पर क्लिक करना है और सेट को कनेक्ट करना है। तो अभी ये देख सकते हैं, एक मेरे पास सेट है, शायद कनेक्ट हो जाए। मीडियाटेक सीपीयू में ही है ये। चलो मैं दूसरा फ़ोन देख लेता हूँ, ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। फ्रेंड यहाँ पर मैंने एक सेट को कनेक्ट किया है, अभी ये बी रोम मोड में है और देखते हैं पिलोडर मोड में जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं तो टिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पार्टीशन, ये बूट वन बूट टू पर टिक लगाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा जैसे कनेक्ट होता है। तो ये शायद पिलोडर मोड में नहीं जा रहा है, तो मैं पहले सेट को कनेक्ट कर लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड एक मेरे पास वीवो का फ़ोन है, मैंने कनेक्ट करके देख लिया है, तो मैं फिर से आपको ही दिखाना चाहूँगा। और अभी मैंने कुछ करा नहीं है, सिर्फ कनेक्ट करके देखा है कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ तो देखते हैं इसमें जो फीचर हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन है वो कनेक्ट हो चुका है और ये सारी इंफॉर्मेशन दिखाएगा, इसमें अभी हेल्थ भी दिखा दिया है। तो ये सारी पार्टीशन है यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर अब देखते हैं टिक लगाने के वाले ऑप्शन आ चुका है, हाँ आ चुका है। तो ये यहाँ पर टिक लगाने के लिए आ गए। अब यहाँ पर देख सकते हैं डम फाइल को आप फुल लेना है या फिर कस्टम, तो यहाँ पर आप एड्रेस एंड डालकर भी आप कॉपी कर सकते हैं, डाटा को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फुल ही करना है, इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा समझना होगा, यहाँ पर जो एड्रेस दे रखा है वो एड्रेस के हिसाब से रीड करना होगा। तो यहाँ पर मैं फुल कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं रीड डम, और ये लोकेशन के लिए बोलेगा तो मैं न्यू फोल्डर में कर लेता हूँ यहाँ पर। और ये बोला है कि ये 58 GB का यूजर डाटा है, मगर आपके पीसी का जो स्पेस है वो 38 GB है, यानी कि इसका जो डाटा है वो रीड नहीं कर सकते हैं। तो कोई नहीं, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक बार दूसरे फोल्डर में नहीं लेते, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पर लोड जो CFG फाइल है, CFG फाइल, इसको देख लेते हैं किस तरीके से काम कर रहा है ये डेस्कटॉप पर। ये ओपन करने के लिए नहीं, अभी नहीं होगा ये, क्योंकि फुल डंप डाउनलोड होगा, यानी कि फुल जो डंप फाइल है वो रीड होगा, उसके बाद ये आएगा। तो यहाँ पर आप फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको डेड वुड रिपेयर करना हो, डंप फाइल डालना हो, जैसे कि जो UEFI में EXE/CXE फाइल होती है ना, वो फाइल को सिलेक्ट करना होता है। तो उसी तरीका से यहाँ पर भी जो EXE/CXE फाइल है उसका नाम है जो CFG फाइल, तो ये यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड होगा। तो ये फीचर है, बाकी मैं एक बार सैमसंग का डम फाइल, सैमसंग का फर्मवेयर सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ कोई फ़ोन पड़ा हो तो। फ्रेंड एक मैंने सैमसंग का फर्मवेयर को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रखा है, अब मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको टिक लगाना है और यहाँ पर BL सिलेक्ट करना है। फाइल हमारा डेस्कटॉप पर ही है, कहाँ पर है ये वाला है, इसमें BL आ गया, टिक लगा लेते सारे पे पहले। और यहाँ पर AP, यहाँ पर CP और यहाँ पर हमारा CSC। तो ये यहाँ पर ये फाइल है वो सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब ये डायरेक्ट फ्लैश हो जाएगा, राइट क्लिक करना है और ये प्रोसेसिंग चलेगा, उसके बाद फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है। ये आ गया। तो इस तरीके से आप डेडवुड सैमसंग का भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है जो नया अपडेट आया है, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं अलग से और वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में सारा सब कुछ कवर नहीं हो पाता है। तो वन बाई वन टेस्ट भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या फिर और दिन। तो ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कितना कुछ समझ में आया वो भी आप बताना, ठीक है।